व्हाट डू वांट टू से अबाउट अब्दू पर्सनल लाइफ की जिस तरह से वो रहते हैं और आफ्टर मैरिज जो होने वाले हैं उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत जिम्मेदार और अच्छे इंसान है वो, तो उनकी मैरिड लाइफ मुझे बहुत सुखद सुखी और प्यारी लग रही है। उनका मतलब इस एज में शादी करना ये आपको कितना सही लगता है? देखिए शादी ऐसी चीज़ है, या तो बहुत अर्ली करो या तो बहुत लेट, वो बीच वाली एज में मत करो। लाइक आप 20s या तो अर्ली 20s में कर लीजिए या तो 30s में कर लीजिए, अर्ली 30s में कर लीजिए, ऐसी चीज़ है वो शादी। तो बीच में जो करते हैं ना उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं सक्सेसफुल मैरिज के, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ फाइन गुड एज फॉर हिम। सो इसका मतलब मेन रीज़न यंगस्टर जानना चाहेंगे कि 23, 24, क्योंकि देखिए 20s जो होते हैं ना, टीनेज और 20s जो होते हैं ना अर्ली, तो तभी इंसान का माइंड बहुत फ्रेश होता है, वो मोल्ड हो सकता है, वो ढल सकता है अच्छे बुरे चीज़ों में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है इंसान। बट जो और उसके बाद जो एजेस आते हैं ना, तब वो बहुत एक्सप्लोरेटरी हो जाता है, एक्सप्लोर करने में लग जाता है, तो उसका एक जगह मन नहीं लगता, वो बस ढूंढने में निकल जाता है। तो वो जो एक्सप्लोरिंग एज होती है ना, उसमें शादी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देन आपको कब हम देखेंगे? मैं एक्सप्लोरिंग एज में हूँ ना तो मुझे अभी और 7-8 साल है, मैं 35-36 में आराम से शादी कर लूँगी।